हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो आज एक नए इक्विपमेंट के साथ लेकर आया हूँ मैं, जिसमें सीमेंट, गिट्टी, रेत और पानी का उपयोग करना है हमें, या इस तरीके से, और जिसमें पानी की मात्रा उस मसाले के ऊपर ही डिपेंड करता है, और उसे उतनी ही मात्रा में डालें जितनी मात्रा में हमारा मसाला बनकर तैयार हो सके, या इस तरीके से देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये थोड़ा और पानी डाला है मैंने, क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी कम लग रही थी। इस तरीके से काफ़ी बेस्ट तरीका है। अब हम इस मसाले को वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर हमारा इक्विपमेंट बनने वाला है, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा इक्विपमेंट, इसमें एक टायर और एक नए आइडियाज़ के साथ उपयोग किया है इसमें, देख सकते हैं। और लेकर आएंगे हम, जिसमें हम इसे अंदर की साइड धकेलेंगे थोड़ा, या इस तरीके से, जो कि मेरे हाथों में लकड़ी है। और मसाला ले जाना है हमें, ये इस तरीके से, ये देख सकते हैं। काफ़ी बेस्ट तरीका है, अब इसे धकेलना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी इसे खाली ना रखें, ये देख सकते हैं। और लेकर आएंगे हम, मसाला काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास में, और मसाला हमने उसी हिसाब से बनाया ताकि हमारा इक्विपमेंट बनकर तैयार हो सके, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और लेकर आए हैं हम, उसे अंदर की साइड ही धकेलना है। सबसे पहले हमें इसे इस तरीके से अंदर की साइड धकेलें, ये देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट तरीका है और हमारा इक्विपमेंट बनने वाला है। बस इसे इसी तरीके से धकेलें, ये देख सकते हैं। जैसे जिम जुगाड़ चैनल, जो कि इक्विपमेंट के जरिए ही जाना जाता है, नए इक्विपमेंट पर ये वीडियो लेकर आते रहते हैं हम इस चैनल पर, ये बनकर तैयार। तो जैसा कि दोस्तों, दो दिनों के अंदर हमारा इक्विपमेंट बनकर तैयार हो गया है। मैंने इन दो दिनों के अंदर इसमें पानी का छिड़काव काफ़ी ज़्यादा किया है, ताकि पानी की वजह से ये बिल्कुल मजबूत बन सके सीमेंट, जो कि अच्छी तरीके से इसे पकड़ सके, ये देख सकते हैं। अब ले जाएंगे इसे हम जहाँ पर वर्कआउट करने वाले हैं, और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है दोस्तों मुझे, ये देख सकते हैं इस तरीके से, नीचे की साइड जो कि नीचे ही रहेगी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से। लेकर आ गया हूँ मैं, काफ़ी वेट है, जिसमें रस्से का उपयोग और पुली और एक बोल्ट का उपयोग करना है दोस्तों, जिसमें हमारी रस्सी को इस तरीके से एक पुली में से निकालना है, ऊपर जो पुली लगा रखी है, और इसे इस कड़े के जरिए इसमें लगा देना है। और अब हम इस कड़े और एक न्यू इक्विपमेंट के जरिए इसमें वर्कआउट करके दिखाएंगे हम आपको, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर खड़े हो जाएं, बहुत आसान इक्विपमेंट बनाया है दोस्तों, आप भी बना सकते हैं। ये बाइसेप्स वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, देख सकते हैं, जो कि बाइसेप्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसमें। और दोस्तों, अब हम इसमें हमारी बैक को भी अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, जो कि आपको बड़ी बड़ी जिमों में ये वर्कआउट देखने को मिली होगी, पर हमारी देसी जिम में ये वर्कआउट भी यहाँ पर उपलब्ध हो गई हैं। और अब हमारे लेग्स को किस तरीके से ट्रेन करना है इसके जरिए, ये देख सकते हैं, बहुत बढ़िया वर्कआउट हो रही हैं, इसी तरीके से बना सकते हैं आप भी, देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, अब हम इसमें हमारी बैक को कवर करने के लिए भी हमने इसी में एक नया आइडिया लगाया है, जिसमें पुली हमने साइड में रख दी, और यहाँ पर ये देख सकते हैं पानी निकालने के लिए हो गया है, पर हम इससे पानी नहीं निकालेंगे, वर्कआउट करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से करना है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर प्लेटें लगानी है हमको,
दो तीन प्लेटें आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वेट बढ़ाएं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। जो कि रोड की लंबाई 6 से 7 फीट हो गई है, जिसमें वी बार का उपयोग करना है हमें। ये देख सकते हैं, अरे बहुत बढ़िया वर्कआउट हो रहे हैं इससे। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है यार दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरे भाइयों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें देसी जिम जुगाड़ चैनल पर, जो कि इक्विपमेंट के लिए काफ़ी बेस्ट चैनल है। आप घर पर वर्कआउट करने के लिए इस तरीके के इक्विपमेंट बनाकर अच्छी तरीके से बॉडी बना सकते हैं। तो उसके लिए जय हिंद, जय भारत।